जय हिंद दोस्तों। भूतपूर्व सैनिक फैमिली पेंशनर्स के लिए तीन बहुत अहम खबरें हैं। पहली खबर है, सुप्रीम कोर्ट से एक जो फैसला आया है, कोर्ट मार्शल करने की तैयारी है अगर आपने ऐसी गलती की, जो भी सर्विंग जवान है उनके लिए। 31 मई अहम है सैनिकों के लिए। पांच बातें आपको जानना बहुत जरूरी है जो 31 मई को होने वाली हैं, और एक्स सर्विसमैन की सीधी भर्ती में कैसे अप्लाई करेंगे इसके बारे में जानकारी मिलेगी। तो तीनों खबरें मैं एक एक करके बताता हूं। सबसे पहली जो खबर है, जो नई अभी खबर निकल कर आई है, कुलगांव से एक लापता हुआ सेना का जवान, कार में मिले खून के निशान। कुलगांव में एक जम्मू कश्मीर में एक सेना का जवान लापता हो गया है। बता दें, 25 साल का सेना का जवान लेह में तैनात था और उसका नाम था जावेद अहमद वानी। वो जब छुट्टी गया उसके बाद वो वहां से लापता हो गया, और जो जिस कार से गया था उसके उसमें खून के निशान मिले हैं, और उसने सेना ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। बता दें, उनके घर वालों ने ये जानकारी दी है। अनुशासन सशस्त्र बलों में सेवा की गैर और पराक्रम शर्त है, यानी कि अगर आपने अनुशासन तोड़ा तो आपको सीधा समरी कोर्ट मार्शल होगा। सुप्रीम कोर्ट ने छुट्टी से अधिक समय तक रुकने पर निलंबित सेना ड्राइवर की अपील खारिज कर दी है। बता दें, एक सेना का जवान था जो छुट्टी गया था, 38 दिन की छुट्टी गया था। उसके बाद वो छुट्टी और बढ़ाई उसने, उसके बाद यूनिट ने उसको छुट्टी नहीं दी ना बढ़ाई छुट्टी, क्योंकि 38 दिन के पहले जा चुके हैं और उनके रिलीवर कई थे जिनको छुट्टी जाना था, इसलिए सेना ने मना कर दिया छुट्टी देने से। लेकिन वो जवान पूरी छुट्टी 108 दिन छुट्टी काट कर लंबी अवधि के बाद सेना में दोबारा वापस आया, और इस पर जो AFT का फैसला था उसको कोर्ट मार्शल करने का, इसके बाद उसने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई जवान ने, और जवान को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आपको मैं सजा माफ कर दूंगा तो अन्य जो दूसरे लोग हैं उन पर गलत संदेश जाएगा। जस्टिस हेमा कोहली और राजेश बिंदल की ये खंडपीठ ने ये फैसला सुनाया है, उनकी अपील को खारिज कर दिया है। जो मामला है वो आपको बता दें कि 108 दिन की छुट्टी के बाद वो वापस लौटा, और इसमें यह भी कहा गया है 39 दिनों की छुट्टी गया था वो जवान। छुट्टी बढ़ाने के लिए उसने अनुरोध किया, लेकिन अनुरोध अस्वीकार कर दिया गया, मना कर दिया गया। इसके बाद जवान पूरी छुट्टी काटने के बाद 108 दिन बाद आके आत्मसमर्पण यानी कि सेना में आ गया। इसके बाद कोर्ट मार्शल की तैयारी की गई और उसके बाद दोषी पाया गया, सेना से बर्खास्त कर दिया गया। इसके बाद बता दें, जो उसमें उसने बताया था पत्नी की तबीयत ठीक नहीं थी, ये उसने जानकारी दी थी यूनिट में। इसके बाद जो हुआ, बता दें AFT द्वारा पारित फैसले में कोई खामी नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट को। अपीलकर्ता अपनी सेवा के दौरान बहुत अधिक स्वतंत्रताएं ले रहा था। जुर्माना लगाने से लेकर कठोर कारावास तक कई सजाओं के बावजूद, उसको पहले भी कई सजाएं हो चुकी थी, उसके बावजूद उसके तौर तरीकों में कोई सुधार नहीं आया। उसी अपराध को देखकर इसमें इसको सेना से बर्खास्त कर दिया गया, यानी कि जब कई उसको सजा मिल चुकी थी इसके बाद भी ऐसा कर काम किया उसने, इसके बाद उसको बर्खास्त कर दिया गया। सर्विंग जवान, रिटायर्ड सैनिक और फैमिली पेंशनर्स के लिए 31 जुलाई बहुत अहम है। और क्यों अहम है? पांच ऐसी बातें हैं जो 31 जुलाई को होने वाली हैं। पहली जो है, एक समान मिलिट्री सर्विस पेपर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई है 31 जुलाई को, यानी कि इस पर भी कोई लेटेस्ट अपडेट आएगी 31 जुलाई तक। और बता दें, दूसरी है, महंगाई भत्ते पर भी मोहर लगेगी 31 जुलाई को। जुलाई तक का महंगाई भत्ता आपका कितना बढ़ेगा इस पर मोहर लगेगी। तीसरी बड़ी बात है, इनकम टैक्स भरने की आखिरी तारीख आ चुकी है और 31 जुलाई ही आखिरी तारीख है, इसके बाद टाइम एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। अगर जिसका इनकम टैक्स नहीं भी कटा है उसको भी ITR भरना जरूरी है। इसके बाद जो चौथी है, पेंशन व सैलरी खातों में क्रेडिट होगी 31 जुलाई की डेट दी गई है स्पर्श और बैंक पेंशनर्स की तरफ से। और इसके बाद BEG सेंटर रुड़की में DSC भर्ती के लिए 31 जुलाई को पहुंचना जरूरी है, जो भी जाना चाहते हैं जा सकते हैं। अभी मैं बता दूं, एक 31 जुलाई अहम क्यों है ITR भरने वालों के लिए, क्योंकि
क्योंकि अगर आपने 31 जुलाई तक आईटीआर नहीं भरा और अगर बाद में भरेंगे तो आपको लेट फाइन लगेगा, और ये लेट फाइन 5,000 रुपये उनका लगेगा जिनकी इनकम 5 लाख से अधिक है, और 1,000 का जुर्माना उनको लगेगा जिनकी इनकम 5 लाख से कम है। तो ध्यान रखें, आईटीआर हो सकता है आपको इसलिए भरना पड़ जाए कि अभी कभी आप लोन ले तो आईटीआर की जरूरत पड़ती है, इनकम टैक्स का आपको रिटर्न दिखाना पड़ता है, इसके बाद लोन मिलता है, तो आईटीआर भरना जरूरी है। 31 जुलाई लास्ट डेट है, इसका मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, जिसने नहीं देखा है वो आई बटन में लिंक दे रहा हूं, उसके थ्रू वो देख सकते हैं। जॉब से संबंदित लेटेस्ट अपडेट बताने की डीआरडीओ ने एक वैकेंसी निकाली हुई है बिना एग्जाम के एक्स सर्विसमैन की। टेक्निकल ट्रेड से हो या नॉन टेक्निकल ट्रेड से हो, सभी के लिए वो वैकेंसी निकाली गई है, और ये उत्तराखंड हल्द्वानी औली पिथौरागढ़ में जॉब लोकेशन रहेगा। ये कम से कम काफी वैकेंसी है, ये नोटिफिकेशन एक एक करके मैंने पहले बताए हुए हैं, 10 इसमें हैं और भी कई वैकेंसी, लगभग 150 वैकेंसियां हैं। एक्स सर्विसमैन आर्मी एयरफोर्स नेवी के बिना एग्जाम के सीधा इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती हो सकते हैं। इसका अप्लाई करने का तरीका मैंने बताया हुआ है, ये ईमेल है, आप डायरेक्ट ईमेल के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी जिला सैनिक बोर्ड में जाने की जरूरत नहीं है, इस ईमेल में अपनी सीवी आप भेज सकते हैं। ये थी जानकारी इस वीडियो में, इतना ही। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करके रखें, जिससे कि लेटेस्ट जानकारी मिलती रहे। थैंक यू, जय हिंद।